पॉपुलरिटी और पैसा, आदमी में टैलेंट हो तो पॉपुलर भी होता है और पैसा भी मिलता है। रोजी रोटी कमाने का सबका साधन अलग होता है, लेकिन अगर आदमी में टैलेंट होता है ना, तो वो चाहता है कि उस टैलेंट को दिखा के अगर उसको वो पैसा मिले जिससे उसका घर चले, तो वो दोनों साथ साथ होना चाहिए। आपके पास टैलेंट है बहुत, एकदम कूट कूट के भरा हुआ है, और उस टैलेंट का आपको दाम नहीं मिला, तो आप कैसे जिएंगे, मतलब सोसाइटी में कैसे सर्वाइव करेंगे? सबका अपना अपना एक जरूरत होता है। तो हम अपने टैलेंट को लेके आए थे और लोगों के दिलों में बस बसना चाहते थे, खोना चाहते थे, शायद मिल गया होगा, और अब इसी को लेके आगे बढ़े। दीपक, अगर आप टॉप टू में होते तो आप किससे हारना पसंद करते जी? अगर आपको मौका मिलता कि टॉप टू में आपके साथ कोई खड़ा होता तो कौन होता, दीपिका या श्रीसंत? हम खुद से हारना पसंद करते, खुद से हारे। लेकिन कौन, किसको आप अपने साथ देखना चाहते? दीपिका क्यों नहीं? ऐसे ही बस दीपिका जी से शुरू से मेरा बना नहीं, और श्री भाई से एक इमोशनल वाला वो फील था, म्यूजिक व्यूजिक से भी बहुत ज्यादा उनका जुड़ाव था, और उनके ऊपर गाने भी बनाए थे, तो वो एक उनके साथ जो भी हुआ वो एक कनेक्ट करता था। हम लोग भी गांव में खूब क्रिकेट खेले एकदम जम के, तो वो सारा कुछ एकदम एक वो एक हम दोनों को जोड़ता था, तो कितना भी झगड़ा करते थे कुछ भी करते थे, लेकिन बहुत सही था उनसे बॉन्डिंग। तो वो बात अलग है, हमको अपने टैलेंट पे भरोसा है कि हम बाहर निकलेंगे तो अच्छे अच्छे गाने बनाएंगे, मतलब जो भी मौका मिलेगा उसको हम दोनों हाथों से लपकेंगे और अच्छा काम करेंगे। लेकिन कहीं अगर कुछ हो जाता तो हम ये जो डिसीजन लिया ना, हम अपने पूरे फैंस के बलबूते पे जो यहाँ तक पहुँचे उनको एक सम्मान दिए, और अपने परिवार का वो सोच के, उनकी जो माली हालत है, फिनेंशियल कंडीशन है, वो सोच के हमने डिसीजन लिए। और हमको लगता है कि पूरा बिहार और मुजफ्फरपुर और जहाँ से हम आते हैं, हमारा गाँव आथर, वो सब इस डिसीजन में मेरे साथ रहे। तो आपको कब पता चला कि आप नहीं जीत पाएंगे ये बिग बॉस की ट्रॉफी, और आपने ये डिसीजन लिया कि आप पैसे लेके वॉक आउट? नहीं, जनरली दिल में वो 80% जो होता है ना, क्योंकि ये गेम शो है, और आपके सामने में खड़ा कौन है, तो श्रीसांत और दीपिका जी, जो इतनी बड़ी फेम है और इतना उन्होंने नाम कमाया है। दिल में जनरली बोले तो उम्मीद था कि हम जीतेंगे, 80% जीतेंगे, लेकिन वो जो उस समय जो हम बजर बजा, आप देखे होंगे बहुत सॉलिड एकदम जल्दी से बजर दबा दिए, वो इसलिए क्योंकि हम अपने परिवार के लिए रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर वो मेरा अपना फैसला होता, मेरा परिवार अगर उस फैसले में शामिल नहीं होता, तो हम खेल के आते और पूरा खेल के। दीपक, अगर आप टॉप टू में होते, अगर किस क्या रीजन था बिग बॉस में आने का आपके लिए? उर्वशी के साथ तो आए थे, लेकिन सौमी के साथ काफी अच्छा बॉन्डिंग हुआ, क्या सौमी के साथ आगे कुछ बात बनने वाली है, क्या इसी तरह कंटिन्यू था और ये अब खत्म हो जाएगा, या फिर शो के लिए था, शो में आगे बढ़ने के लिए? आप लगेगा आपको भावनात्मक जुड़ाव वाला क्वेश्चन है। पिताजी शो में आए थे तो बोले कि सब कुछ सही, शादी नहीं हो पाई है। बिहार के एक परिवार के एक लड़के की ये दास्तां, कैसे उसने देखे सपने और कैसे बनाया रास्ता। वो गाने गाता था, सपने सजाता था कि दुनिया उसको जाने उसकी नाम से,